लाइक के काले बटन को मिलना जरूर करें और लाल बटन को काला जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ये है गैलेक्सी A7, हम इसको अनरैप करते हैं। ये हमने अनरैप कर रहे हैं। इसका जो मेन कैमरा है 24 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का है। इसका बॉडी डिजाइन बहुत बढ़िया है, देखिए साइड में वॉल्यूम रॉकर और लॉक बटन भी दिया हुआ है, पावर बटन बहुत बढ़िया से बनाया है सैमसंग ने। फाइल तो उसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, 128 GB और 6 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है और 4 GB और 64 GB के साथ। डिस्प्ले इसकी 6 इंच की है और सुपर एमोलेड है। और इसकी अगर बात करें तो प्रोसेसर की, तो पहले भी मैं ये आपको बता दूं कि ये ओरियो 8.0 पे काम करता है एंड्रॉयड और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, माइक्रो यूएसबी के साथ है। तो हम इसके डिस्प्ले पे पहुंच गए हैं, तो आप डिस्प्ले में आपको दिखाते हैं क्या क्या है। टच बहुत बढ़िया इसका और क्या बताएं, इसमें आपको सभी फीचर मिल जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ये मैंने J7 प्राइम में भी देखा था। वन ड्राइव दोस्तों, ज़्यादा कुछ बताने के लायक नहीं है इसमें, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इतनी रेंज में ये मोबाइल बढ़िया है। 23,000 के करीब है। ये देखिए जो मेरे पास मोबाइल है, इसकी 64 GB इंटरनल मेमोरी है और जो हम मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं 512 GB का। तो मेन बात है इसके सेंसर जो है वो भी बढ़िया है, दो सिम लगा सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। फ्लैश लाइट बहुत बढ़िया है इसकी, जॉन की है। बैटरी है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, फास्ट चार्जिंग है। अभी मैंने कैमरा टेस्ट नहीं करके देखा, मैं जब मैं कैमरा टेस्ट करूंगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा, तो फिलहाल अभी तो मैं नहीं टेस्ट कर रहा। फ्रंट पे दो ड्यूल कैमरा मिल जाते हैं, एक 12 मेगापिक्सल का है और एक 8 मेगापिक्सल का है, और साथ में फ्लैश लाइट मिल जाती है। इसकी डिस्प्ले हर टाइम ऑन रहती है। एक खामी भी है इसमें, इसके साथ ईयरफोन जो आ रहे हैं वो बढ़िया नहीं है, मुझे तो बहुत बेकार लगे। इसके साथ एयरटाइट ईयरफोन आने चाहिए थे, और फिंगरप्रिंट भी इसमें छिपा हुआ है जैसे वीवो वालों ने दिया, वैसे ही सैमसंग वालों ने भी दिखा दिया। अभी हम भी किसी से पीछे नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।